में ही माने, जितने भी लोग इस समस्या के शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें 2 दिन पहले भी हमने जो है एक आपको स्टोरी बताई थी कि एक शख्स है जिनकी जो है स्कूटी चोरी हुई रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में अपने ही घर के बाहर से। तरकुटा नगर के रहने वाले ये शख्स है। तभी हमने आपको पूरा वाक्य बताया था कि रात के 1:30 से 2 बजे एक व्यक्ति आता है और उनकी स्कूटी जो है लेकर चला जाता है। आपको बता दें स्कूटी तो चोरी होगी रात के समय में। कंप्लेंट की बात करें, कंप्लेंट भी हो चुकी, मगर हैरानी की बात यह कि अब तक जो है उन शख्स को जो है उन चोरों को ढूंढा नहीं गया, और जो स्कूटी का मालिक है उसे घर बैठे ही चालान पर चालान भी आई जा रहे हैं और फोटोज भी आई जा रही है कि कौन स्कूटी चला रहा है। तो चलिए फिलहाल हमारे साथ ये शख्स है जिनकी स्कूटी गुम हुई पूरी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं रमेश कुमार। सर 2 दिन पहले भी हम आपके पास आए थे, आपने बताया कि मेरी स्कूटी यहाँ से गुम हुई है, कंप्लेंट भी आपने करवाई, तो अब आपको यहाँ घर बैठे हुए हैं जो है चालान पे चालान, कितने चालान आपको आ चुके हैं अब तक? मैम एक तो 15 तारीख को आया था मुझे चालान, वो आया था बक्शी नगर से, वो मैंने आपको दिखाया नहीं था शायद, उसकी पिक भी है मेरे पास जो मुझे चालान आया था। उसके बाद आज मुझे 2 चालान आ गए, एक आ गया रेशमगढ़ से और दूसरा चालान मुझे आ गया सतवारी आरएसपुरा रोड से। आज की डेट में 2 चालान मुझे अभी आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि नहीं जो है आज की डेट में 2 चालान आ गए। मैं आपको तस्वीर बताना चाहूंगी, एक तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक शख्स जो बैठे हैं, 2 शख्स है, स्कूटी एक चला रहा है, एक पीछे बैठा हुआ है, 2 शख्स बताए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए रेशमगढ़ कॉलोनी से जो है एक चालान आता है और उसके बाद जो है इनकी स्कूटी जो है एक शख्स जो है चला रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि स्कूटी इसने चोरी की है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ ये स्कूटी का मालिक है, हमें नहीं पता ये शख्स कौन है। अगर जिसने स्कूटी चोरी की है, मे भी उसने किसी के आगे स्कूटी कुछ पैसों के लिए बेची हो, तो जिसने खरीदी है उसे भी पूरे डॉक्यूमेंट है जो पता करने चाहिए कि आखिरकार ये स्कूटी कहाँ की है, कहाँ का रहने वाला ये शख्स है। तो अगर ये स्कूटी चोरी करने वाला भी शख्स है तो आप देखिए कितने आराम से ये चोरी करने के बाद जो है अपने ही जम्मू में जो है खुल के विदाउट हेलमेट के चोरी की स्कूटी है जो चला रहे। अगर तो इस शख्स ने स्कूटी खरीदी है तो वीडियो को जितना हो सके आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि शख्स को पता चले जो ये स्कूटी चला रहा है तो ये स्कूटी जो है चोरी की है। तो अगर ये चोर है तो इसे अब तक जो है ढूंढा क्यों नहीं गया? एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि स्कूटी तो चलो चोरी की चोरी होगी, फिर भी कहीं ना कहीं आप देखिए घर में जो है चालान भी नहीं आए जा रहे हैं, तो आपको इस चीज का भी डर होगा कल को आपकी स्कूटी का मिसयूज ना कहीं हो। वैसे सही बात है, मैंने देखो ना आप मुझे परसों एक चालान आया, उसके बाद 2 और आ गए। इन केस ये बंदा विदाउट हेलमेट कोई एक्सीडेंट कर दे या कल को कुछ कर दे तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो मैं बार बार मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही बोल रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से यही बोल रहा हूँ कि इस बंदे को, अब तो इसकी बिल्कुल पिक भी क्लियर आ गई, बिल्कुल क्लियर नहीं। ये भी तो हो सकता है ना कि ये चोर ना हो, इसके आगे किसी कम पैसों में खरीदी हो, या हो सकता है उससे बोला हो ठीक है डॉक्यूमेंट्स बाद में करवा लेंगे। तो बट जिस बंदे ने भी चलो माना ये इनकेस ये चोर नहीं हो सकता, इसने स्कूटी खरीदी हो, बट इसको भी सबसे पहले स्कूटी लेने से पहले इसको पूरे डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 2-3 दिन से पुलिस की बात करें, आप यहाँ बैठे हो, आपको चालान पे चालान भी आ रहे हैं और आप उन्हें पूरे सबूत भी दे रहे हो और अभी तक जो है अपने ही हमारे जम्मू में है चोर जो है स्कूटी चोरी करके भी जाता है। भगवान ना करे इस स्कूटी के नीचे आके किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, आपको तो यहाँ से आगे पकड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जो आपने बोला, बिल्कुल सही बात है। स्कूटी तो मेरे नाम की है, ट्रेस तो मुझे ही करेंगे ना पुलिस, मुझे ही पकड़ेंगे ना पुलिस। तो आपने फोटो भेजी? आपने मैंने फोटो पुलिस स्टेशन भेज दी है, मैं जो मुझे आज चलाना है चलान भी भेज दिए, जो उसकी लड़का जो ड्राइव कर रहा है उसकी जो पिकअप है वो क्लियर आई है वो भी मैंने भेज दी। एक और आई है मुझे पिकअप, वो आपको पक्का बताइए नंबर प्लेट आपने चेक किया? नंबर प्लेट मैम मेरी है, स्कूटी भी मेरी ही है, इवन की स्कूटी मेरी है, मैंने आगे मडगार्ड पे थोड़ी सी टेपिंग की हुई है, मेरी स्कूटी है, मेरा ही नंबर है ये, और खाली ये बंदा कोई और चला रहा है जो मेरी स्कूटी। तो जो आपको एयरपोर्ट का चलाना है उसने भी आपको ये शख्स? हाँ सेम है, सेम एक ही शख्स जो चलाया जा रहा है, जो मुझे चलाना है सुबह पहले मुझे आता है रेशमगढ़ से, उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं एक बार दोबारा से तस्वीर बताना चाहती हूँ जितने भी लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हैं, तो ये तस्वीर जो है आप लोग ध्यान से इसे जो है देखिएगा। तो अगर ये शख्स जो है इन्होंने स्कूटी खरीदी भी है
तो मैं उनसे भी यही अपील करूंगी कि ये स्कूटी इनकी है, त्रिकुटा नगर के रहने वाले, इनके घर से चोरी हुई है, इनके घर के बाहर से चोरी हुई है, तो आप जो है पुलिस स्टेशन में जाइए, स्कूटी के बारे में बताइए। तो अगर ये स्कूटी वाले चोर है, तो मैं पुलिस स्टेशन में भी यही अपील करूंगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही अपील करूंगी कि इनके पास सारे सबूत हैं, चालान, लास्ट चालान कौन सा है, लास्ट का मुझे अभी है ना, सुबह आए दो है ना, मुझे लास्ट वाला जो आया सत्यवारी से आया, आरतपुरा पहला चौक से। चालान कहाँ का आया था? पहला चालान आया मुझे महेशपुरा चौक का, बख्शी नगर का, कौन सा परसों चालान? 15 तारीख को आया, वो जो बैग से फोटो लिए हुए है। अच्छा, आपको पहला चालान आया 15 तारीख का, जी जो जी दो बंदे आगे फोटो नहीं आई है, जी जी दूसरा चालान आया वो भी बख्शी नगर महेशपुरा का, नहीं, दूसरा चालान मुझे आया यहाँ का रेशम घर कॉलोनी का। रेशम घर कॉलोनी का जी एरिया, तो जी वही पड़ गया। फिर तीसरा चालान आपको कहाँ से आता ये है? आता है आरसपुरा सवारी से, आरसपुरा एयरपोर्ट रोड से। तो वो यही लड़का है। जी, सेम है ये। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं अगर एक ही एरिया से आपको तीन चालान दो चालान आ गए, तो वो एरिया वहां का ही बंदा है? नहीं, बंदा तो सामने दिख रहा है इसमें, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये बंदा वही है जिसने, मतलब कि पहला चालान जो आया ना, जो उसके बाद दूसरा है, ये बंदा एक ही बंदा है, वो नहीं है कि ये कोई और ड्राइव कर रहा है, वो एक ही बंदा है जो स्कूटी चला रहा है इस वक्त। तो आपने जहाँ कंप्लेंट करवाई है वहां पे आपने फोटोज भेजी, वहां पे उन्होंने क्या हाँ, बोला? मैंने फोटोज भेज दी, उन्होंने बोला आपने कहा कि पूरा क्लियर आ गया, बंदा कौन है, मैंने मेरे चालान आ रहे हैं, कल को बड़ा हादसा कोई कुछ ऐसा ना हो जाए तो मैं क्या करूंगा? आपने देखो कहीं ना कहीं टेंशन तो इंसान को होती है ना। मैंने मैंने उनको बोला, मैंने उनको पिक भी भेज दी जो जो चालान मेरे पास आए हुए हैं। मैंने उनको यही कहा कि सर देखो, अब तो बंदा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कैमरे में, इसको ट्रेस करो प्लीज। तो वो बोल रहे हैं कि हमने एक टीम लगाई हुई है, तो हो सकता है इसको जल्दी ट्रेस करके पकड़ा जाए ये जो। क्या कहना चाहते हैं आखिरकार में एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं, और आप देखिए सरेआम जो है स्कूटी चल भी रही है, चलान भी आ रहे हैं, अभी तो चलो मैटर इन्वेस्टिगेशन रहेगा, पता चल जाएगा जब ये बंदा पकड़ोएगा कि हाँ भाई ये चोर है या मालिक है, या हाँ, इसने जहाँ जहाँ स्कूटी स्कूटी ली से है, हाँ, हो सकता है इसने स्कूटी खरीदी हो, या ये भी कोई हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको बंदे को जल्दी ट्रेस किया जाए, क्योंकि अब तो बिल्कुल क्योंकि क्लियर कट इसी हो बंदे को गया। ट्रेस किया जाएगा और पता चला जाएगा कि आखिरकार स्कूटी इस तक आई इस कहाँ इसने से। कहाँ एक इसने कहाँ से ली, कैसे ली और क्या कब ली, क्योंकि अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया, अब तो इसकी पूरी फोटो दिख रही है कि कहाँ से स्कूटी चला रहा है, इसने स्कूटी चोरी की है, खुद की है, या इसने कहीं से ली है। जब ये अब तो ये पकड़ा पुलिस का मैटर जाएगा, है, अब तो हाँ ये पुलिस का मैटर है ना, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन मैटर। इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस ही करेगी, इस बंदे को ढूंढने का उन्हीं का काम है, अब तो हम कहाँ ढूंढेंगे इनको। आपको लगता है कि जैसे आपकी स्कूटी चोरी हो सकता है, ऐसे और भी कहीं की चोरी होती है, ऐसे बिल्कुल गोली बिल्कुल चलती हो? बिल्कुल, बहुत हो रही है अभी देखो, 2 लाख वहां पे बैंड के, कोई इको बैंड लगी, तो चारों टायर ही कोई खोल के ले गया। ये आज के रात की इंसिडेंट है, मतलब डे बाय डे बढ़ती जा रही है चोरी। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं जो शख्स जो है स्कूटी चला रहा है, और महेशपुरा में ही इसका चालान आता है, और स्कूटी चला रहा है, बाद में एयरपोर्ट पर आता है, और 2 दिन पहले की बात करें तो तब ये दो बंदे स्कूटी पे सवार हैं, तब इनकी शक्ल दिखाई नहीं दी गई है। तो मैं पुलिस से भी यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द जो है इस शख्स, आप लोग कीजिए कि आखिरकार ये स्कूटी इस तक जो है पहुंची कैसे, पूरा मामला जो है आखिरकार है क्या है, स्कूटी इसके आगे बेची है या किसने चलाने की दी है, या कौन कौन इसमें लोग शामिल है, कि आज जितना आगे भी स्कूटी है जो है चोरी होती है तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ तक पहुंचती है, क्योंकि देखिए चालान पे चालान आई जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें भी डर है, इनकी स्कूटी इनके नाम की है, कल को कुछ भी हो जाए तो आखिरकार में इन्हें ही आके जो है पकड़ा भी जाएगा कि आपकी स्कूटी है। फिलहाल जनता के अपनी जो राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, और जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे, बने रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के साथ। मैं हिमानी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।